जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज मैं बड़ा अद्भुत प्रयोग लेकर आया हूँ। मात्र एक दिवसीय प्रयोग है ये, केवल एक दिन ही आपको ये प्रयोग करना है और आपका ग्रह दोषों से आपको राहत मिल जाएगी। एकदम पक्की बात है, 100% वाली। आपको पता है मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगा, मुक्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि अपने कर्मों का ये भोग है। कोई भी ज्योतिषी आपको मुक्ति नहीं दिला सकता ग्रहों के प्रकोप से, किंतु तात्कालिक तौर पर हर किसी को राहत की ज़रूरत होती है, शांति की ज़रूरत होती है, सुकून की ज़रूरत होती है, वो आपको मिल जाएगा मात्र इस एक दिन के प्रयोग से, ठीक है। और ये जो प्रयोग है ये मैं बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर लेकर आया हूँ, क्योंकि ये इसका मैंने स्वयं पर प्रैक्टिकल किया है, इसलिए आप इसको हल्के में ना लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। देखिए मित्रों, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग अभी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों पर या बहुत लोगों पर आप मान लीजिए शनि देव की 7.5 ढैया चल रही है, तो कुछ लोगों पर 7.5 ढैया शुरू होने वाली है, उसकी परेशानी अलग है। और फिलहाल में शनि और मंगल की युति बन बैठी है, उस वजह से भी बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है। शनि मंगल की युति शुभ नहीं होती है। खैर, तो आप ये जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है उसके पीछे ग्रहों की प्रेरणा होती है, और हर इंसान के जन्म कुंडली में शुभ ग्रह भी उसके लिए होते हैं और अशुभ ग्रह भी होते हैं। जब अशुभ ग्रह की प्रेरणा होती है तो अशुभ घटनाएं होती हैं, दुखद घटनाएं होती हैं, और जब शुभ ग्रह की प्रेरणा होती है तो सुखद घटनाएं होती हैं, आनंद देने वाली घटनाएं होती हैं, लाभ देने वाली घटनाएं होती हैं, और यही सुख दुख का जो क्रम है जीवन भर लगा रहता है। लेकिन अगर हम कष्ट में चल रहे हैं, परेशानी में चल रहे हैं, तो हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना, उपाय तो हम करेंगे ही। तो ऐसा ही एक उपाय लेकर के मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार की आपकी होली आपके जीवन में नया रंग भर दे, और वो कैसे, तो आप सुनिए। ऐसे देखिए क्या करना है आपको, होलिका दहन के ठीक अगले दिन सभी लोग रंग खेलते हैं, ठीक है, तो रंग आपको भी खेलना है लेकिन अलग तरीके से। रंग आपको भी खेलना है लेकिन अलग तरीके से, वो कैसे, एक काम कीजिए, आप कहीं से पलाश के फूलों का जुगाड़ कर लीजिए। मित्रों, इसे ब्रह्म वृक्ष कहा गया है ये पलाश को, और इसकी इतनी पावर होती है कि ठीक होली वाले दिन जो भी व्यक्ति पलाश के फूलों का रंग निकाल करके उससे स्नान कर ले तो उसको बड़े से बड़े ग्रहों के प्रकोप से मुक्ति मिल जाती है, राहत मिल जाती है, राहत, बड़ी सुकून और शांति मिलती है उसे, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बड़े बड़े अनोखे अनुभव प्राप्त होते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने स्वयं होली पर ये पलाश के फूलों के रंग से स्नान किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं से पलाश के फूलों का जुगाड़ कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जब फूल मिल जाएँ, अभी तो कुछ दिन आपके पास समय है, मैं कुछ दिन पहले ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समय मिल जाए। अब आपको क्या करना है कि रात में पलाश के फूलों को पानी में डालकर खौला दीजिए धीमी आंच पर। खौलाने के पश्चात उसे आंच से उतार करके ढक करके रख दीजिए सुबह तक। सुबह में उन फूलों को उसमें मिस लीजिए, ठीक है, पूरी तरह से मिस लीजिए उसी पानी में, और फिर उसी पानी से आप अच्छे से रगड़ रगड़ करके स्नान कीजिए ताकि हर एक रोम कूपों में वो रंग समा जाए। और फिर देखिए उसके बाद आपको धीरे धीरे कैसे कैसे अनुभव प्राप्त होते हैं। अनुभव अगर मिले तो ज़रूर मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अनुभव मिलेगा ही मिलेगा। आपकी तात्कालिक जो समस्याएं चल रही हैं उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, ये तो हो गया ये पलाश के फूलों का उपाय। अब मैं आपको कुछ और बता दे रहा हूँ जिससे कि आप जो हानिकारक रंगों के साथ होली खेलकर अपने सेहत का नुकसान कर लेते हैं, ग्रहों को कुपित कर लेते हैं, उससे आप बच सकें। क्या करना है, घर पे ही आप रंग बनाइए। मेहंदी और आटा मिला करके आप हरा रंग बना सकते हैं। मेहंदी हो गया या हीना पाउडर हो गया, आप उसमें आटा मिलाकर हरा रंग बना लीजिए। मेहंदी शुभ कामों में प्रयुक्त तो होती है और इसका बुध से संबंध होता है, और इस पाउडर से अगर आपने स्नान किया या होली खेल लिया तो फिर आपका बुध एकदम टंच, आपका बुद्ध एकदम आप पर प्रसन्न हो जाएगा। खैर, अगर आपको पीला रंग बनाना है तो हल्दी और बेसन,
हल्दी से दोगुनी मात्रा बेसन की होगी, आप इससे होली खेल लीजिए, आपके बृहस्पति देव प्रसन्न, आपको अनुकूलता मिलना शुरू हो जाएगी, निश्चित रूप से मिलेगी आपको, क्योंकि होली का दिन ही ऐसा प्रभावशाली दिन होता है कि उस दिन किए गए उपाय व्यर्थ नहीं जाते हैं। अब आपको लाल रंग बनाना है तो या तो लाल चंदन के पाउडर से आप लाल रंग बना लीजिए पानी में घोलकर, और या तो फिर हल्दी में चूना मिलाने पर 2 चम्मच हल्दी ले लीजिए और इतना चूना उसमें घोर लीजिए और उसे 10 लीटर पानी में डाल करके उबाल लीजिए, लाल रंग तैयार हो गया आपका, आप उससे होली खेल लीजिए। ये करके तो देखिए, आपने मेरे ख्याल से ऐसा कभी किया नहीं होगा, इस विधि से कभी होली खेली नहीं होगी, लेकिन इस बार खेल करके देखिए, आपकी होली बिल्कुल अनोखी जाएगी, नए नए अनुभव की सौगात लेकर के आएगी। होली के अगले दिन का सूर्योदय आपके लिए बिल्कुल विशेष होगा, बिल्कुल स्पेशल होगा, और फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने अनुभव की बौछार करेंगे, बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि मैं अनुभव की चोट से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी शुभकामना है कि आपका जो होली पर्व है आनंद से बीते, सुखपूर्वक बीते, और आप अपने जीवन की खुशखबरियाँ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर कोई समस्या हो, प्रश्न हो, उलझन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं देर सवेर उस पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय शिव शंकर।